बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर जनरल साइंस 7th। ये वो टेक्स्ट बुक है जो आपको चाहिए जनरल साइंस के लिए। अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो आपने बुक डाउनलोड करनी है, जिस तरह मैंने भी डाउनलोड की है अपने लैपटॉप पे। इसके लिए आपको पहले सर्च करना पड़ेगा टेक्स्ट बुक जनरल साइंस ग्रेड 7 को, और वहाँ से आपको उसके 5 चैप्टर्स के पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अभी यूनिट 1 को आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि फ़िलहाल हमने यूनिट 1 को ही पढ़ना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपके पास ये चैप्टर इस फॉर्म में आ जाएगा। इस बुक में आपके 10 चैप्टर्स हैं। इफ़ वी लुक एट द कंटेंट्स, there are 10 chapters in this book. First 3 chapters are related with bio, plant system, human organ system and human health. Next 3 chapters are related with chemistry, structure of an atom, physical and chemical changes, chemical bonds. And next 3 chapters are related with physics, heat, waves, effect of force. The last chapter is related with space, investigating space. So today we are going to start the first chapter, plant systems. Plant system में सबसे पहले chapter opener page के ऊपर ये student learning outcomes लिखे हुए हैं। इस chapter को पढ़ने के बाद आपको ये सब कुछ आ जाएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर कुछ triggering questions भी हैं, जैसे पहला triggering question है, can plants grow without roots? क्या ख्याल है बच्चों, अगर plants की roots ना हों फिर भी वो grow करते रहेंगे? आप अपने गमले में से पौधा निकालें, उसकी रूट्स कट करें और दोबारा उसको घुसा दें सॉइल में, तो क्या वो अच्छी तरह ग्रो करेगा? द सेकेंड ट्रिगरिंग क्वेश्चन इज, हाउ डज वाटर ट्रेवल फ्रॉम सॉइल टू लीव्स? पौधों को जब हम पानी देते हैं तो उसकी मिट्टी को पानी देते हैं, तो वहां से वो पत्तों तक कैसे पहुंचता है? देन हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? हम तो अपना खाना किचन में बनाते हैं, पौधे अपना खाना कहाँ और किस तरह बनाते हैं? सो इन सारे सवालों के जवाब इस चैप्टर को पढ़ के हमें मिलेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है, इसके बारे में आपने, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, इनके बारे में आपने ग्रेड 6 में पढ़ा था कि प्लांट के 2 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, मेनली रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम जो है वो मेनली, इसमें रूट्स होती हैं। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व के प्लांट्स जो हैं, चाहे हवाएं चल रही हों, बारिश हो, कुछ भी हो, तो प्लांट्स अपनी जगह पे कायम रहते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है? बिकॉज देर आर रूट्स विच एंकर स्प्रेड इन द सॉइल एंड एंकर इट। जिस तरह घरों की बुनियादें घरों को उनकी जगहों पे रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं, उसी तरह रूट्स होल्ड करके रखती हैं सॉइल में प्लांट्स को। सिर्फ होल्ड नहीं करती बल्कि उसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती हैं, that is they absorb water and minerals from the soil by the process of diffusion. Diffusion एक खास प्रोसेस है, इसकी एक हैंड्स ऑन एक्टिविटी है जिससे आपको समझ में आएगा कि बेसिकली डिफ्यूजन क्या है। कि अगर इफ़ यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू ड्रॉप इंक इन इट और आप उसको मूव ना करें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक सारे ग्लास में फैल जाएगी। ये जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, जहां ज्यादा है वहां से मूव करके कहां जाते हैं, जहां कम है फैल जाते हैं, दिस इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? वो जगह जहां मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां से वो मूव करके जाएंगे उस जगह जहां मॉलिक्यूल कम है, और तब तक मूव करते रहेंगे जब तक सारी जगह फैल ना जाए, एक जितने ना हो जाए। तो डिफ्यूजन को मैं एक और डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अगर लेट सपोज ये इंक के मॉलिक्यूल्स हैं और ये इंक के मॉलिक्यूल्स एक जगह पे इकट्ठे हुए हुए हैं, और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ से ही मूव करके जाएंगे उस जगह जहाँ उनकी कंसंट्रेशन लो है, डिफ्यूजन होती रहेगी तब तक के वो इक्विलिब्रियम के जरिए हर जगह एक जितने ना फैल जाएं। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
और प्लांट में क्या होती है, प्लांट के रूट्स के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं विच आर कॉल्ड रूट हेयर. उनकी एपिडर्मिस पे आउटर मोस्ट लेयर पे रूट हेयर होते हैं विच आर हेल्पिंग देम इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. और रूट हेयर के साथ इसमें वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं सेंटर में जो कि वाटर और फूड को मूव करने में हेल्पफुल होते हैं. यू हैव स्टडीड अबाउट एपिडर्मिस, यू हैव स्टडीड अबाउट वेस्कुलर बंडल्स इन योर ग्रेड 6. नाउ रूट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स. देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ रूट्स विच आर कॉल्ड टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. टैप रूट वो रूट है विच इज अ मेन रूट. मोस्ट प्लांट्स, बुशेज, ट्रीज, इन सब की एक मेन रूट होती है और उसको कहते हैं प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट से जो फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं वो कहलाती हैं सेकेंडरी रूट. सेकेंडरी रूट से फर्दर जो ब्रांचेस निकलती हैं वो कहलाती हैं टर्शरी रूट्स. तो ऐसा जो रूट सिस्टम हो जिसमें कि एक मेन रूट मोटी सी हो और वो कहलाएगी प्राइमरी रूट, और जो नैरो ब्रांचेज हैं दे आर कॉल्ड द सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स. दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड टैप रूट सिस्टम. इसके मुकाबले में दूसरा जो रूट सिस्टम है वो है फाइब्रस रूट्स का. फाइब्रस रूट्स ग्रासेस में होती हैं. ग्रासेस को अगर आप उखाड़ के देखें तो उनकी रूट्स बारीक बारीक, कोई भी मोटी रूट नहीं होती, सारी रूट्स पतली पतली होती हैं. दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट. और ये रूट्स निकल के स्प्रेड कर जाती हैं, इतनी डीप नहीं होती. इफ यू लुक एट द डायग्राम आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि कौन सी रूट ज्यादा डीप जा रही हैं, टैप रूट्स. फाइब्रस रूट ज्यादा डीप नहीं है, वो स्प्रेड कर जाती हैं सरफेस के करीब ही. और अल्लाह की कुदरत है कि रूट्स में बहुत सारी वैरायटीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं. यहाँ पे साइंस टिडबिट्स में एक एग्जांपल दी गई है कि पीज और बीन्स, ये मटर, फलियों वगैरह जितने पौधे होते हैं, इनकी रूट्स को अगर ज़मीन में से निकाल के देखें तो उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं और इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं. ये फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो इन रूट्स में रहते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी ज़मीन ज़्यादा जरखेज़ हो जाती है. जिस ज़मीन में इस तरह के प्लांट्स ग्रो किए जाएं वहाँ पे ज़मीन की जरखेज़ी, फर्टिलिटी बढ़ जाती है.